15.4 सतत श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण। किसी भी एल्केन वास्तव में किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर रखा जाता है। किसी भी सतत श्रृंखला वाले एल्केन के नाम को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग मूल या जनक भाग, जो दर्शाता है कि इस हाइड्रोकार्बन की सबसे लंबी सतत कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। दूसरा भाग अनुलग्न, जिससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंधन है। आइए कुछ उदाहरण लेकर इन नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। सारणी क्रमांक एक। एल्केन के लिए यदि n बराबर एक हो, अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या एक हो, तब मूल भाग मैथ द्वारा दर्शाया जाता है तथा अनुलग्न एन होता है। अतः एल्केन का नाम मैथ धन एन बराबर मैथेन होता है। यदि एन बराबर 2, 3, 4, 5 या 6 हो, तब मूल भाग क्रमशः एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट या हेक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा अनुलग्न एन होता है। मैथेन CH4 और एथेन C2H6 के अणुसूत्र को ध्यान से देखें। इनमें CH2 इकाई का अंतर है। अब एथेन CH3CH3 और प्रोपेन CH3CH2CH3 की संरचना देखें। यह स्पष्ट है कि इन दोनों में भी केवल CH2 इकाई का अंतर है। एल्केन श्रृंखला में हम इस प्रकार अनेक निकटतम जोड़े अगले या पिछले सदस्य के साथ बनाकर उनके अणुसूत्र की जांच कर सकते हैं, जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन का जोड़ा, या ब्यूटेन और पेंटेन, या पेंटेन और हेक्सेन। प्रत्येक बार हम देखते हैं कि जोड़ों में केवल CH2 का अंतर है। यौगिकों की वह श्रृंखला जिनमें निकटतम सदस्य के जोड़ों में ऐसा संबंध हो, उस श्रृंखला को सजातीय श्रेणी कहते हैं। सभी एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, जहां n कार्बन के परमाणुओं की संख्या है और इस परिवार के निकटतम क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 इकाई का अंतर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्केन परिवार एक सजातीय श्रेणी है। मैथेन और एथेन के अणुभारों की गणना कीजिए तथा दोनों सदस्यों के अणुभार में अंतर निकालिए। इसी प्रकार एथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन पेंटेन और पेंटेन हेक्सेन जोड़ों के अणुभारों के अंतरों की गणना कीजिए। क्या आपको इस सजातीय श्रेणी के सदस्यों के अणुभारों में कोई संबंध दिखाई देता है?